बिहार में सत्तारूढ़ जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि देश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर पार्टी आज मंथन करेगी, इसके बाद आगे की रणनीति का निर्णय लिया जाएगा। आज होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक जदयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में होनी है। इसमें राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित होंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार हो रही इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में जदयू के संगठन के विस्तार पर चर्चा भी होगी। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को कम सीटें मिलने पर घमासान होने की भी संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री पद पर आने के बाद जदयू की ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। सूत्रों की माने तो बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए कई नए चेहरे को भी आगे बढ़ाने की कवायद की जा सकती है, तो वहीं संगठन में बड़े फेरबदल को लेकर भी कुछ फैसले किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि जदयू की बैठक में राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। जदयू की राष्ट्रीय कार्य समिति में 225 सदस्य हैं। बैठक में देश के दूसरे राज्यों के भी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में बिहार में हुए चुनाव के साथ साथ कोरोना संक्रमण को लेकर किए गए कार्यों पर भी विशेष चर्चा होगी। साथ ही देश भर में संगठन के विस्तार करने पर भी चर्चा होनी है। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।